हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों यार, आपको एक बात बतानी थी। मैंने ना पिछले कल एक ब्लॉग बनाया था, तो मैं कहीं गया हूँ। तो यार ब्लॉग, पता क्या, मैंने ब्लॉग को जैसे ही रेडी किया 5 बजे सुबह से, 9 बजे से 5 बजे तक ब्लॉग बना रहा था। तो लास्ट में मैंने जब वो एडिट करके कंप्लीट कर दिया, तो शाम को पता क्या हो गया यार, दोस्तों समझ नहीं सकते हो आप लोग। तो शाम को ये हो गया कि मैंने जब वो ब्लॉग तैयार किया यार, उसमें जो है एकदम से वो डिलीट हो गया। मुझसे कुछ गलती हो गई थी, मैंने वो मतलब गलती से डिलीट हो गया यार। तो ब्लॉग इतना अच्छा था दोस्तों, मुझे खुद एक अच्छा ब्लॉग लगा वो, अपनी मतलब टोटल वीडियो में जितनी भी आज तक वीडियो बनाई, तो मुझे ना वो वाला ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वो था ट्रैवलिंग ब्लॉग, तो बाकी बहुत अच्छा था। बाकी यार दोस्तों, उसमें मैंने पता क्या किया, स्टोरेज फ़ोन की बहुत ज़्यादा फुल हो गई थी, तो मैंने वही ब्लॉग वाली क्लिप्स जो है वो डिलीट कर दी और देखा ऐप में जिसमें मैं एडिट करता हूँ। तो यार दोस्तों, उससे तो वो डिलीट हो ही चुका था, बाकी मैंने जो है गैलरी से भी वो डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों यार, ज़्यादा क्या कहूँ, बस मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा यार, एकदम से ऐसा हो गया। मैंने 2-3 घंटे एडिट करने के बाद वो इतना अच्छा बनाया था। बाकी आप लोग तो सोच रहे होंगे यार झूठ बोल रहा होगा, बाकी यार दोस्तों बहुत अच्छा था, मैं सच बोल रहा हूँ। जो भी बनाया था ब्लॉग, बहुत अच्छा ब्लॉग था। बाकी चलो यार, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट ब्लॉग लेके आपके सामने आ चुका हूँ, तो करते हैं इंजॉय यार। तो मैं आया हूँ बुआ के घर। तो वैसे बुआ का घर बिलासपुर में है, बाकी मैं उनके होटल पर आया हूँ। बाकी उनके 2 होटल हैं, एक है कुमारसेन में और एक है कुमारसेन से थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे और ऊपर की ओर। तो मैं वहाँ पर हूँ इस टाइम। बाकी यार आप लोगों को ये बात बता देनी थी मुझे, तो आपको ये बात बताने के लिए ये ब्लॉग बनाया कि यार मैंने एक ब्लॉग बनाया था, तो उसमें मेरे से क्या होगी, गलती होगी। तो मैंने क्या मतलब मैंने डिलीट नहीं की यार, खुद हो गया उसमें। उसमें पता क्या, कुछ एक क्लिप्स तो रही नहीं, मैंने वो डिलीट कर दी गैलरी से। तो मतलब ये मेरी गलती ही रही कि मैंने डिलीट कर दी। और दोस्तों मैं क्या करता यार, स्टोरेज फुल हो गई थी, तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता था। बाकी चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। बाकी चलो यार, आपको अभी तक आपने देखा होगा, मैंने आपको दिखाया, ये था होटल बुआ का, जो सेकंड होटल था। तो ये है आपका मुरथल में, तो कुमारसेन से थोड़ा आगे और नारकंडा साइड है। जो लोग जानते हैं वो तो, मैं आपको पूरा बायोडाटा लिख लूँगा कहाँ पर है ये होटल, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। बाकी चलो यार, आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, बाकी आज का डिनर भी आपके सामने मैं शेयर करूँगा, ठीक है? तो आपको अभी तक मैंने दिखाया, मेरे पीछे जो है ये सारा होटल है, बहुत अच्छा है। बाकी यार वीडियो में आगे आप देखते रहें मैंने क्या क्या दिखाया आपको और क्या क्या दिखाऊंगा। और चलो, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम न आए 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 हम न आए, ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम न पाए। होटल बाकी कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताना। बाकी उतना मतलब समझते हो ना,
नॉर्मल सा मीडियम सा जितना होना चाहिए उतना है। बाकी आपको बाहर के हाल दिखा देते हैं। बाकी आप दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो सर्दी का मतलब आगमन हो चुका है। बाकी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे, ये है नारकंडा की हाइट में। बाकी नारकंडा अगर कोई आए हो तो वो तो जानते ही है सर्दी में क्या हाल होते हैं। बाकी सर्दी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिखाते हैं बाहर के क्या हाल है। और बाहर तो अभी बारिश लगी थी, अभी थोड़ी देर पहले रुकी है। बाकी आपको बाहर दिखा देते हैं, यार बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बाकी यहाँ अंदर थोड़ा है टेम्परेचर ठीक सा। बाकी आप 2000 years later. तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखाते हैं अंदर क्या बना है आज खाने के लिए। बाकी आज का जो ब्लॉग था वैसे डिनर पर ही होना था, क्या क्या बना है खाने के लिए। और मेरे को यहाँ की ना लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, देखिए बहुत ज़्यादा। और ये बॉल्स जैसे जो है बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, क्या ही बोलूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। देखो दोस्तों मेरे पीछे जितने बॉल्स हैं सारे लाइटिंग है इनमें, तो बहुत ही अच्छी लाइटिंग है मुझे। हाँ तो ये है इनका किचन, यहाँ पर ये खाना बनाते हैं और बाहर सर्व करते हैं। तो ये है इनका किचन, NH के साथ है, देख सकते हैं बाहर NH साथ में है। तो दोस्तों ये है तंदूरी रोटी बन रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शेफ साहब जो है तंदूरी रोटी लगा रहे हैं। बाकी हेलो शेफ साहब, कैसे हो आप? बढ़िया जी, आप सुनाओ? ठीक है, बढ़िया। तो हमारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो इतना कहना चाहूंगा जी कि हाँ जी, जो साहिल ठाकुर को जो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। थैंक यू जी, थैंक यू। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू। बाकी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे शेफ साहब का यहाँ पर देख लिया। रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। जिस तरह से थाली के हिसाब से देते हैं, जिस इसी तरह से सर्व किया जाता है यहाँ पे, मैंने खुद ही निकाली है थाली, माइंड ना करिएगा। बाकी मैंने जो है ऐसे ही थोड़ा बहुत कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर बना है, तो दोस्तों फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है पकौड़ा कड़ी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। और सेकंड में हमारे पास रहती है अरबी की सब्जी, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये वाली है अरबी की सब्जी। तो और ये है हमारे पास जिमीकंद और मटर की सब्जी। बाकी ये हमारे पास दाल आ जाती है। और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, रोटी आ जाती है, वो भी तंदूरी रोटी। और इसके साथ और ऐड होता है चावल। बाकी चावल मुझे उतने पसंद नहीं है, मैंने चावल नहीं लिए तो वेस्ट क्यों करने हैं। बाकी आप लोग देख रहे होंगे ये रही यहाँ की पूरी थाली। तो इस तरह का यहाँ पे बनता है खाना, बाकी आपको टेस्ट करके यहाँ पे बता देते हैं, तो बहुत ही अच्छा बनता है। बाकी तो दोस्तों यार अब करते हैं टेस्ट, क्या क्या बनाया है तो आपको दिखा दिया अपना, कड़ी बनी है, सब्जी दाल जो भी है और रोटी है साथ में। तो अब टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। तो चलिए यार टेस्ट कर देते हैं। दोस्तों फाइनली मेरा जो आज का डिनर था हो गया, और आज के ब्लॉग को अब एंड करने का टाइम भी हो चुका है। अगर आपको मेरा ये आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो गाइस जरूर यार इसे लाइक,
कमेंट और शेयर करके जरूर जाना। और चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करना ज़रूर। और साथ में मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन में दिख रहा होगा, इस नेम से मैंने इंस्टाग्राम खोला है, तो आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं यार जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो ख्याल रखना अपना।